Hello guys, myself Saurabh Sharma, final year MBBS student, along with first year MBBS student Aman. So guys, आज हम अमन के साथ जाने वाले हैं कि 600 प्लस फेब्रवरी से स्टार्ट करके पॉसिबल है या नहीं, और कैसे क्या आपकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. आज इसके ऊपर एक ओवरव्यू लेंगे. सो ओवर यहाँ पे अमन की तरफ मैं क्वेश्चन ही डायरेक्टली पूछता हूँ कि हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीड पर डे. एक जो अगर कोई फरवरी से बच्चा शुरू कर रहा है फेब से, कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसको, लगभग एक अंदाजा वाला. इनिशियली तो भैया पहले तो उसकी लिमिट कितनी है, अगर वो 5 घंटे पढ़ा डायरेक्ट 12 आवर तो जा नहीं पाएगा, तो धीरे धीरे पुश करना पड़ेगा उसको, लेकिन मैं 12 आवर पढ़ता 12 आवर्स शुरू हो जाने चाहिए. तो फरवरी से आपके 12 आवर शुरू हो जाने चाहिए. अब ये 12 आवर में कुछ सेल्फ स्टडी का भी आवर होता होगा, और कुछ शायद अगर कोई वीडियो देखते तो उनका भी होता होगा ना. सो आप इसको डिवाइड कर, 70% लगभग आप सेल्फ स्टडी टाइम लगा लो, 30% लेक्चर्स वगैरह. ओके, 30% लेक्चर्स को ले लो. उसके बाद आ जाता है यहाँ पे आपका सिलेबस कब तक खत्म हुआ था, कोई एक अंदाजा बताओ मुझे, क्योंकि ऑब्वियसली आप 600 प्लस गए हो एंड अभी के लिए 600 प्लस आपको टारगेट लेना ही पड़ेगा गाइज. 610 प्लस लो, दैट्स फार बेटर, 620 और बढ़िया. सो इन्होंने, इनकी भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2017 अभी तक का. मैं वो चीज अगले वीडियोस में डिस्कस करूंगा इनके साथ, जिससे आपको मोटिवेशन मिले. एनीवेज, अभी मैं पूछता हूँ सिलेबस कब तक खत्म हुआ था आपका. सितंबर से 2 महीने पहले. सितंबर से 2 महीने पहले, मतलब कब तक, जुलाई में खत्म हो गया था आपका सिलेबस. ओके, जब ये नीट का जो पोस्टपोनमेंट चल रहा था, ये नीट पोस्टपोन उस टाइम पे क्या आपके में चल रहा था, क्या कर रहे थे उस टाइम. वही यूट्यूब पे ट्वीट कर रहे थे, पढ़ रहे थे. मैं न्यूज़ देखता नहीं था, न्यूज देखते ही नहीं थे, दैट्स गुड. सो गाइज, आपको भी ये बोल रहा हूँ, ये सब में थोड़ा सा ध्यान कम दीजिए, बेटर होगा आप पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो. उसके बाद आ जाता है मेरा यहाँ पे डेली फिजिक्स, केम और बायोलॉजी. ये हमने पिछले वीडियो में जाना था इनसे, लेकिन आज वापस पूछेंगे कितने कितने एमसीक्यूज बनाने चाहिए. आइडियल एक स्टूडेंट को फेब से शुरू कर रहा है, डेली के कितने एमसीक्यूज बनाने चाहिए, अगर कोई नंबर है तो. मेरे 500 का टारगेट रहता था, कभी अचीव हो पाता था कभी नहीं हो पाता था, तो 300 बायो रहते थे मेरे, 100 फिजिक्स केमिस्ट्री रहते थे. ओके, सो मेरे को ये बताना है, जो 300 बायो हुआ, ये आप क्या टॉपिक वाइज करते थे या कोई भी रैंडम उठा के कर लिया. जिस चीज को रिवाइज किया उसी के करता है, जिसके रिवाइज किया उसी को. उसके बाद फिजिक्स केम भी सेम, जिसको रिवाइज किया उसके 100 लगा देते थे. ओके, देन यहां पे गाइस हम लोगों को ये तो पता चला कि अभी से अगर आप एमसीक्यूज पे ध्यान दो, एंड उसके बाद आ जाता है टेस्ट को लेके. टेस्ट आप क्या पार्ट टेस्ट को देते थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर स्किप कर देते थे, ये इम्पोर्टेंट सवाल है. पार्ट टेस्ट कभी कभी देता था, ज्यादा तो मैं फुल सिलेबस पे फोकस रहा हूँ, क्योंकि मेन वही काम आता है. ओके, तो फुल सिलेबस, अगर कोई बच्चा फेब से उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ, तो उसको कब कब फुल सिलेबस देना चाहिए. अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, स्ट्रगल कर रहा है वो अभी, तो कब कब देना चाहिए. एक बार तो फुल सिलेबस तो बीच में ट्राई कर सकता है वो, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं कर सकता, कुछ चीजें आएंगी कुछ भूल जाएगा, लेकिन एक वो होता है ना कि पूरी फील आती नहीं तो वाली फुल सिलेबस. सो गाइस, मैं यही बोल रहा हूँ, फुल सिलेबस इसीलिए दिया करो, एटलीस्ट एक रेगुलर इंटरवल, चाहे वो 2 हफ्ते में एक बार दो, लेकिन दो. और एक बात यहाँ पे आ जाता है, जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लो अगर आपका नहीं था, तो आपने क्या स्ट्रैटेजी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए. एक माइंड मैप होता है ना, कि मेरे को अगर एक इंस्टीट्यूट का मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हूँ, तो उसको फॉलो करना, या खुद ही से अपने आप को लिख के कि ये फॉलो करना है, वो बताओ मुझे. इंस्टीट्यूट में तो मैंने टेस्ट सीरीज इतनी ज्वाइन की नहीं थी, लेकिन मेरे पास प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह थे, तो मैं अपने टाइम स्लॉट बना लेता, जैसे 3 दिन बाद मेरे को देना है, या फिर 6 दिन बाद देना है, 5 दिन बाद देना है, ऐसे बना के करता. ओके, तब तो बढ़िया बात है. सो गाइस, मैं आपके लिए ये डिस्कस करना चाह रहा था कि 600 प्लस अभी से पॉसिबल है, बिकॉज अमन खुद ने, इन्होंने स्टार्ट की थी फेब के एंड से बढ़िया वाली प्रिपरेशन. डोंट वरी, अभी आपके फेब का स्टार्टिंग है, तो आप आराम से कर सकते हो. सो अगेन, मैं अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या बुक्स रिकमेंडेशन है फिजिक्स केम बायो में. ठीक है, तो बायो की हमने कवर की है, सेपरेट वीडियो आप देख सकते हो, एंड फिजिक्स केम के लिए भी हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं. थैंक यू सो मच गाइज. अगर आप वीडियो के इस एंड तक आ गए हो, तो डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ कि आप नीट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो. तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन है, आप अभी के अभी पता लगाओ कि आपका लेवल कितना है, मतलब लेवल इन द सेंस
की पढ़ाई कितनी हुई है, अगर आपको कल ही एग्जाम हो जाए, परसों एग्जाम हो जाए, तो फिर आप कितने प्रिपेयर्ड रहो। सो उसके लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करने वाला हूँ, बिकॉज इट इज अ सीरियस मैटर। आई नो दैट बहुत कम बच्चे सीरियस होते हैं, सिलेक्शन भी कम बच्चों का होता है। सो इस बार उस मौके को मत गवाओ, मैं साफ बोल दे रहा हूँ, इस मौके को मत गवाओ। टेस्ट दो, पहचानो प्रोडिजी में, पता तो चले आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया हूँ मैं प्रोडिजी का, सभी लोग दे सकते हो। अपने घर में अगर आपके क्लास 12th के 11th के भाई बहन है, उन तक भी लिंक पहुंचाओ और उन्हें भी एनरोल करवाओ। 7th, 8th, 9th, 10th वो भी बच्चे हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एनरोल उनसे भी करवाओ, बस कोड मांगेगा सौरभ लाइव लगा देना, एंड दिस इज टोटली फ्री, दिस इज टोटली फ्री। आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। देखो प्राइजेस आर सेकेंडरी, टू बी ऑनेस्ट प्राइजेस आर सेकेंडरी। मेन गेम है गाइज कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। प्राइज अगर आप एक जीत भी जाते हो लेकिन आप अगले साल नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ये तो सही नहीं है ना। एक प्राइज के पीछे नहीं, मैं चाहता हूँ आप उस आइडियोलॉजी के पीछे भागो जहाँ पे पेपर ये जो है ना नीट लेवल का होने वाला है। सो प्लीज डू अटेंड। और आपको पता है अगर आप जीत जाते हो ना यहाँ प्रोडिजी में, तो ये सारे बैचेस आप फ्री में एक्सेस कर पाओगे, अन अकेडमी पे फ्री एक्सेस हो जाएगा। अगर आप प्लस आ गया आपके पास फिर फ्री में, सो आपको गाइड करने के लिए तैयार है अनअकैडमी। आपको टेस्ट तो देना पड़ेगा, फ्री है टेस्ट दीजिए 6th ऑफ फेब पे, नीचे प्रोडिजी का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके टेस्ट दे लेना। चलो सी यू सून गाइस। और ऐसे वीडियोस के लिए अगर आपको लगता है कि कोई आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए, मैं ट्राई करता हूँ उसके लिए वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच।